अस्सलाम वालेकुम आतिफ मंगेश अपनी 51 एपिसोड के साथ, और हम फेसबुक के बारे में तफसीलन इन डेप्थ पढ़ते जा रहे हैं कि उसमें हमें किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है या बिज़नेस प्रोफाइल को बिल्ड करना है, उसको किस तरह हमें प्रमोट करना है अपने ब्रांड को, अपने बिज़नेस को फेसबुक के ऊपर। तो इसमें आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद जिनकी वजह से आपके जो एड्स हैं वो बैन हो जाते हैं या उनको अप्रूवल नहीं देता फेसबुक कि वो रन हो सकें। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ वगैरह को जहाँ पे बहुत लंबे टेक्स्ट आ जाते हैं, है भी काफ़ी लंबी, और तकरीबन अगर आप गूगल की या फेसबुक की पॉलिसीज़ वगैरह चेक करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन जिन जो लोग एक दफ़ा वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके उनको फिर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनके एड्स जो हैं वो बैन हो रहे हैं या डिसअलाउ हो रहे हैं या डिसअप्रूव हो रहे हैं। तो अगर होते भी हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उनको फिर ये पता होता है कि ये एड्स किस वजह से हुए हैं या पॉसिबल वजूहात क्या हो सकती हैं जिनकी वजह से ये ऐड हमारे डिसअप्रूव हो गए, तो फिर वो जाके कस्टमर केयर पे उनसे फाइट कर सकते हैं कि भाई इसमें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या चीज़ है तो ये इस वजह से है या ये चीज़ जेन्युइन है या ये कोई भी जो भी वजह बनी हो उसको, क्योंकि आपको फेसबुक बताएगा कि आपका जो फेसबुक है ऐड है वो किस वजह से अप्रूव नहीं हो सक रहा। तो आप फिर अगर आपको अपनी उस पॉलिसी में रेफरेंसेस का पता होगा तो आप उसको अपना केस जो है वो अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकेंगे, और हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग वही वाला ऐड वो बाद में फेसबुक अप्रूव कर दें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा भी देखेंगे कि क्या क्या वजूहात पॉसिबली हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके जो एड्स हैं वो डिसअप्रूव हो जाते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन इशू आता है। डिज़ाइन इशू में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छे एड्स वो होते हैं जिसमें आप इमेज अगर यूज़ कर रहे हैं तो इमेज कोशिश करें कि उसमें टेक्स्ट कम से कम हो। जो फेसबुक का रूल है वो 20% का है, यानी कि अगर आपकी जो भी डायमेंशन है फेसबुक की जो इमेज साइज़ होता है, पहली बात तो ये आपको पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे साइज़ हैं इमेज के और वीडियो के जो कि फुल लेंथ आपके डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी आ जाते हैं। जितना अच्छा एक्यूरेटली फिटेड ऐड होगा उतना ही उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा ऑडियंस के लिए भी और आपकी उसकी उसके रिजल्ट्स आने में भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो डायमेंशंस फेसबुक ने बता दी हैं वो आप उनको फॉलो करें। दूसरी बात ये कि 20% का असूल हमेशा याद रखें, और बल्कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि एड्स में कम से कम टेक्स्ट लिखें। आप जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या जो भी आपकी ऑफरिंग्स हैं वो ऊपर कैप्शन में लिखें, और आपकी जो जितना ज़्यादा टेक्स्ट होता जाएगा आपकी इमेज में उतनी आपकी ऑडियंस श्रिंक होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर फेसबुक ने इसका सिंपल आपको एक रूल बता दिया 20% का, और अगर आपके 20% से ज़्यादा है वो भी अप्रूव हो जाते हैं कभी, लेकिन आपको फिर मैनुअल अप्रूवल की तरफ जाना पड़ता है और वो फिर आपको उसी तरह नेगोशिएट करना पड़ेगा उनके साथ, उनको बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि कैसे ये अगर इसमें टैक्स ज़्यादा है तो किस वजह से है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 20% से ज़्यादा डायमेंशन के हिसाब से जो आपका इमेज है उसमें 20% से ज़्यादा जो टेक्स्ट मौजूद नहीं होने चाहिए, तो वो आपका अगर इससे ज़्यादा है तो वो उसको अप्रूव डिसअप्रूव करेंगे, फिर आप उसकी रिविजन्स पे करेंगे या फिर आप उसको मैनुअल उस पे जाएंगे कि वो मैनुअली उसको जाके चेक करें। पहले तो सिस्टम डिसअलाउ कर देगा आपका, फिर वो अगर आप मैनुअल पे जाएंगे तो फिर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको चेक करके अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा। एक तो डिज़ाइन इशू हो गया। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगा, अगर आप लंबी वीडियो डाल रहे होंगे तो हो सकता है कि कभी आपकी जो वीडियो है वो अलाउ ना करें, क्योंकि उसकी जो वीडियो को बहुत ज़्यादा मैनुअली उनको देखना पड़ेगा, और कहीं पे भी कोई ऐसा मटेरियल आ जाता है जो कि या तो कॉपीराइटेड हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई किसी ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर बात हो रही हो या इस किस्म की चीज़ हो रही हो या कोई एंटी सोशल हो, तो वो हो सकता है कि आपका जो वीडियो है वो डिसअप्रूव हो जाए बूस्ट होने के लिए।
इसमें ज़्यादातर जो पहले इसको हम देखते हैं जो वायलेटेड कंटेंट होता है, जिस तरह आपका कहीं से भी आप कोई अगर अनएथिकल कोई चीज़ है जैसे सेक्स है या कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी फेसबुक जो है वो उसको अप्रूव नहीं करेगा। उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन को कभी भी इसमें वो प्रमोट नहीं होने देगा। उसके बाद एंटी सोशल एड्स या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आजकल कॉन्स्परेसीज जो थ्योरीज चल रही होती हैं उनको फेसबुक अवॉइड करता है। जैसे कि अगर आप कोविड के बारे में कोई चीज़ ऐसी या कुछ की वैक्सीन के बारे में कोई चीज़ ऐसी ऐड बनाया है जिससे आप अपने कोई कोई ऐड बना रहे हैं या कोई आपका कंटेंट है उसको आप बूस्ट करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। इवन अगर आप यूट्यूब वगैरह देखें तो अगर आपके बैकग्राउंड में भी या कहीं पर भी किसी जगह पर भी कुछ थोड़े से टाइम के लिए भी कोविड का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आपकी वीडियो अप्रूव नहीं होती यूट्यूब वगैरह में। इसी तरीके से यहाँ भी फेसबुक में भी आपकी वीडियो में या आपके ऐड में या आपकी पिक्चर में कहीं कोविड का वर्ड आ गया है। ये कोविड तो मैं एक मिसाल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई भी ऐसी चीज़ कोई ऐसा चीज़ जो कि इस वक्त ग्लोबली मसला बना हुआ हो, कोई इशू हो सोशली पॉलिटिकली, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि उनकी बैन लिस्ट में आया हुआ है फेसबुक की, तो वो आपके ऐड में अगर मौजूद है तो आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद फेकनेस की बात आती है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि जनरली फेक इस वक्त उसकी उसको कहा जा डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐड के अंदर या कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कोई सील दिखा रहे हैं, कोई लोगो दिखा रहे हैं किसी ऐसे इशू पर जो कि इस वक्त इसको हम ये कह सकते हैं जो कि काउंटरफेट प्रोडक्ट्स होती हैं या को फेक प्रोडक्ट्स होती हैं, उस किस्म की चीज़ों को अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद टबैको से रिलेटेड ऐड आप कभी भी फेसबुक में नहीं चला सकेंगे। कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के भी ऐड जनरली आपको कभी फेसबुक पर नज़र नहीं आएंगे दवाइयाँ वगैरह बेचने के। तो हाँ अगर कोई एंटी स्मोकिंग हो गया या किसी ऐसी चीज़ जो कि सोशली एंटी ड्रग हो गया, इस किस्म की कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के एड्स हैं वो आपके अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन वो जो वेपन हो गया जैसे वेपन्स रिलेटेड एड्स जो हैं वो आपके कभी भी अप्रूव नहीं होंगे और उन वो नहीं चल सकते फेसबुक पे। ये चीज़ें थोड़ी सी ये सब वायलेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे लोग ना इसको इतना इसके मतलब सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फेसबुक आपकी जब आप ऐड चलाते हैं किसी अपने पेज पे किसी चीज़ का, तो फेसबुक जो वो 10 से 15 20 मिनट लेता है ना रिव्यू करने का, उसमें वो आपकी पूरे पेज का जायज़ा लेता है कि आप पहले इस पेज की क्या हिस्ट्री है, किस किस्म का कंटेंट इसमें आ रहा है, किस किस्म की चीज़ आ रही है और आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, रिव्यूज़ क्या हैं। इसमें आ जाता है कस्टमरशिप ना कि आपकी आपके बारे में लोग जनरली क्या कहते हैं। अगर आपकी पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स मौजूद हैं, कस्टमर एक्सपीरियंसेस को इतने अच्छे नहीं हैं और तो फेसबुक थोड़ा सा हेजिटेट होगा आपके एड्स को अप्रूव करने में। तो ये लोग ये बहुत अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक आपको बहुत अंदर से जाके आप अब अच्छा, क्योंकि जब आप प्रोफाइल चला आप ऐड चलाते हैं तो आपकी प्रोफाइल भी उसके साथ अटैच होती है ना, क्योंकि आपकी पेमेंट शेमेंट जो है वो सारी आ रही है आपकी प्रोफाइल के साथ। और फिर आपके जो बिज़नेस पेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर तो उसमें बहुत कम लोग हैं या फिर बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि अगर आपकी आपकी जो पेज है उसमें अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपका जो अप्रूवल का रेट है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। और फिर उनकी कमेंट्स या पिछले आपके, मेरा ज़्यादातर यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है एड्स की आपके पेज के ऊपर वो बड़ा काउंट करती है और फिर टू सम टाइम आपकी प्रोफाइल जो है वो भी जाके वो एग्जामिन करते हैं कि आपकी कस्टमर एक्सपीरियंसिंग कैसी है,
कस्टमर सपोर्ट कैसी है आपके बारे में, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, द राइट वर्ड जो मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे, जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके बारे में जनरली इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है आपकी पेज पे, और अगर आप उस पर कमेंट्स पे, इसमें एक चीज़ और एक बड़ी अंदर की बात आपको बताऊँ कि अगर आपका रिस्पांस टाइम अच्छा है, जो आपको कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आपका रिस्पांस टाइम आपकी आपके पेज पे अच्छा है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एड्स पर कोई वायलेशन वगैरह का वो नहीं होगा, उसकी अप्रूवल जल्दी आना शुरू हो जाएगी। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को याद रखें यहाँ पे। पहला मैंने क्या पॉइंट बताया आपको कि वायलेशन, जनरल वायलेशन इन डिज़ाइन और इन प्रोडक्ट सिलेक्शन और एनी सोशल और अनएथिकल चीज़ों के मुताबिक हो। दूसरी चीज़ कस्टमर एक्सपीरियंस, आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या राय है आपके बारे में या आपकी। फिर तीसरी चीज़ यह है कि जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चनेबल प्रोफाइल, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है और आप कोई ज़्यादातर एंटी सोशल, एंटी पॉलिटिकल और एंटी यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को प्रमोट करते हैं, आप की जो कंटेंट जनरेशन है आपकी प्रोफाइल के अंदर वो कैसी है उसको वो चेक करते हैं, और ये भी किसी हद तक इम्पैक्ट होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अगर आप खुद कोई ऐड चलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट और उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, जबकि अगर एक जो कस्टमर, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो कि ऑलरेडी फेसबुक के साथ एज अ मार्केटिंग कंपनी अटैच्ड हैं और उनको डिक्लेयर हुए हुए हैं कि ये मार्केटिंग करते हैं और ये लोगों के लिए प्रमोशंस रन करते हैं, उनके रिजल्ट्स में और आपके रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। और वो क्योंकि पॉलिसीज गाइडलाइन को चेक कर रहे होंगे, आप पॉलिसी गाइडलाइंस को नहीं देख रहे होंगे, और दूसरी आपकी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, पेमेंट मेथड सबसे अहम। अगर आपकी पेमेंट मेथड जो आपने एंटर किया है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, सबसे पहले जो पहला ऐड आप चलाएंगे तो उस पर जो फेसबुक है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा कि आप ये कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये आया सही है या नहीं है, इसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से भी आपको अलाउ करेगा और बहुत उसके बाद भी चेक करता रहेगा कि कोई इसके पेमेंट में कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे फेसबुक पेमेंट काटता है, एकदम नहीं काट लेता। जैसे गूगल की डिफरेंट है स्ट्रेटजी इसमें कि वो आपको 30 डेज़ का क्रेडिट देता है और 30 डेज़ के बाद आपके पैसे काटता है, लेकिन उससे पहले वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वगैरह है, जो आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है उसको वो पूरी तरह चेक कर लेता है कि वो आया सही है या नहीं सही। फेसबुक डेली बेसिस पे आप जितने दिन की कंपेन चलाते हैं तो उसमें डेली बेसिस पे आपसे पैसे काट रहा होता है, तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाता है, जिस तरह आप एड्स चलाते जा रहे हैं और आप पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा बैंक से या किसी इसी या कोई और वायलेशन नहीं आ रही, ऑडियंस से कोई वायलेशन नहीं आ रही, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रोफाइल है वो स्मूथ होती जाएगी एड रनिंग के हवाले से इसमें। और इसमें आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है अगर आप बहुत तेज़ी से अकाउंटिंग अपना पेमेंट मेथड्स वगैरह चेंज करते हैं हर कंपेन के लिए, कंपेन मेथड्स पेमेंट मेथड्स आप चेंज करते हैं, कभी आपने कोई और क्रेडिट कार्ड लगा दिया, कभी आपने कोई और डेबिट कार्ड लगा दिया, कभी आपने डायरेक्ट डेबिट दे दिया, कहीं आपने पेपॉल यूज़ कर लिया, कहीं कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी प्रोफाइल क्वेश्चनेबल है हो सकता है, इसलिए आपके जो फेसबुक एड्स हैं वो देर से अप्रूव होंगे और बहुत छानबीन के बाद वो अप्रूव करेंगे, और इसमें अगर ज़रा सी भी कोई वायलेशन आ गई, कोई अकाउंट कोई कार्ड डिक्लाइनिंग रेट बढ़ गया आपकी, तो आपकी पूरी फेसबुक बुक का जो एड मैनेजर है वो भी बैन हो सकता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। दूसरा इसके अलावा मेरे ख्याल से ये सबसे अहम चीज़ है, अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं ना, तो आप एक दफ़ा कोई हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता लगा के फेसबुक की जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं एड्स की, वो आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। सबसे अहम चीज़ यही है कि वो एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको पता हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन भी आता है ना इन फ्यूचर आपके
बहुत दफ़ा ऐसा होता है, यानी कि जैसे मुझे बहुत अरसा हो गया है एड्स चलाते हुए, और एक में मेरी बड़ी अच्छी पोजीशनिंग है फेसबुक के साथ पेमेंट के हवाले से और एड्स रनिंग के हवाले से और एड डिज़ाइनिंग के हवाले से, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि सिंस मुझे सारे पॉलिसी मैटर्स और वो सारा कुछ पता होता है, तो मैं उनको साथ फिर नेगोशिएट भी कर लेता हूँ किसी लेवल पे जाके। तो इसी तरह आप भी जब करते रहेंगे और पढ़ चुके होंगे सारा उनकी पॉलिसी लेवल, तो फिर आप क्या होगा कि आप उनके साथ आर्ग्यू भी कर सकते हैं और आप उनके साथ अच्छा नेगोशिएट करके अपने एड्स अप्रूव करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो भी आपके और अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप कोशिश करें कि पेज पे आप रिव्यूज़ बहुत अच्छे लेकर आएँ, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत अच्छे और पॉजिटिव लाएँ, कमेंट्स अच्छे लाएँ, कमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिव रहें, कमेंट्स का जवाब दें ताकि आपकी कस्टमरशिप पेज पे नज़र आए। तो आपके पेज आपके जो एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेसबुक भी ओवरलुक कर जाएगा, बहुत सारी पॉलिसीज ना होते हुए भी अप्रूव कर जाएगा, तो ये भी हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा जो प्रोफाइल के हवाले से एक और चीज़ बताऊँ कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको हमें मालूम नहीं होता, फेसबुक बहुत कुछ अंदर जाके चेक कर रहा होता है, तो इसमें आप जो अपनी वेरीफाइड होना चाहिए पहले तो, और दूसरी बात ये कि आपकी जो डिटेल्स हैं पेज के ऊपर आपकी कंपनी की, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट बहुत अहम है। बहुत सारे हमारे लोग जो है ना अब ये इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं कि जी बस वेबसाइट की क्या ज़रूरत है, फेसबुक ही काफ़ी है, उसी पे बिज़नेस रन हो जाएगा। फेसबुक इज़ मार्केटिंग टूल, आपकी जो बिज़नेस एग्जिस्टेंस है ऑनलाइन वो आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अलावा आपकी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन बिज़नेस में वो डाउटफुल है। यानी कि हो सकता है आप, क्योंकि जब आप डोमेन परचेज़ करते हैं, होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही होती हैं और उसमें आपके बहुत सारे बिज़नेस की आप बहुत सारी ऐसे एविडेंस वेबसाइट पे दिखा रहे होते हैं जिससे आपकी लीगैलिटी नज़र आ रही होती है, आपका एक जेन्युइन बिज़नेस प्रोसेस नज़र आ रहा होता है। फेसबुक पेज तो आज कोई भी बच्चा उठ के भी पेज बुक बना सकता है ना, तो इस वजह से उसकी कोई लीगल वो आपको प्रूफ नहीं करता है एज अ बिज़नेस आपका फेसबुक पेज। हाँ, वो एक मार्केटिंग टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी कस्टमरशिप के लिए, अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने पैगामात उन तक पहुंचाने के लिए बहुत तेज़ी से, और एक सोशल नेटवर्क को यूज़ करना, तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी अहम है। फेसबुक के साथ अगर आप जेन्युइनली बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत अहम है, वेबसाइट पर अपना कॉन्टेंट बिल्कुल क्लियर और अच्छा होना चाहिए। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं फिर यही है, और अपना फेसबुक पे जो अच्छा, किसी भी ऐसी चीज़ में ना जाएं जो कि, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल ना हो, अपनी प्रोफाइल में भी और अपने उसमें भी पेज में भी बिल्कुल स्ट्रेट फोकस रहें अपनी प्रोडक्ट के लिए, और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से और सोशली तरीक़ों से, एक होता है ना एक जब हम एक दो तरीके होते हैं ना, एक हम बिल्कुल कमर्शियल तरीके से एडवर्टाइज़ करते हैं जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन व्हेन यू आर इन द सोशल मार्केटिंग सेटअप, आप जब एक सोशल नेटवर्क में हैं जैसे कि आप अपने दोस्तों यारों में होते हैं, जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में होते हैं, तो वहाँ पर आप इतनी डायरेक्टली अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये बस एक छोटा सा ख्याल रखें कि आप इस वक्त सोशली किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो आपको सोशल गैदरिंग में अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों तक अपना बिज़नेस कैसे पेश करना है। कमर्शियली तो हम बिल्कुल ब्लंटली एग्जैक्टली अपना बिज़नेस बताते हैं कि जी जैसे टीवी ऐड हो गया, जैसे न्यूज़पेपर ऐड हो गया या डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, तो हम जाके फौरन चाहे, लेकिन यहाँ पे आपका उन लोगों से वास्ता है जिनको आप जानते हैं, जो आपका सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे पब्लिक है जो कि किसी, जिसका मूड किसी तरफ भी, किस तरफ भी हो सकता है इस वक्त, वो आपकी बात किस तरीके से सुन सकते हैं। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिस पे आपको थोड़े से मैं लॉज बताऊँगा कि सोशल मीडिया पर अपनी जो प्रोफाइलिंग है, अपनी बिज़नेस प्रोफाइलिंग है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखें, और दूसरी एक और वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा
इसमें आपको मैं टाइप ऑफ एड्स बताऊंगा एक एक करके। मैंने कोई अलग किए हुए हैं, कोई 40-50 के करीब एड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपकी आपको। और यकीन कीजिए, जो आप अभी वेबसाइट अपने एड्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उनसे वो टोटली डिफरेंट है। वो इसीलिए, वो बिल्कुल, आप अगर इंटरनेशनली कंपनीज को देखें, उनके ऐड के साथ अपने ऐड को कंपेयर करें, हम पाकिस्तानी लोग बहुत लशपश एड्स बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े इफ़ेक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो सिंपल एक इमेज डाल के कैप्शन लिख के अपने कंपेन चला देती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होती हैं, इस वजह से उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और फेसबुक जो इंजन है इसका पीछे एड्स का, उसकी जो मेन एल्गोरिदम है उसको आप समझने की कोशिश करें। आप, हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होता, मैं समझता हूँ कुछ और लोग टेक्निकल समझते होंगे, तो ना ही इस उसमें पढ़ें कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप अपने उसमें तब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। कभी कभी थ्रो भी करना पड़ता है ब्लाइंडली चीज़ों को, और वही आपको सिखाती हैं, सबसे अहम चीज़ यही होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो बस यही आज की ये थी, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिनका आप ख्याल रखें, तो आपके जो एड मैनेजर है या आपके जो एड्स हैं वो अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे जल्द से जल्द। और जैसा जैसा टाइम गुजरता जाएगा, जिस तरह आपकी फेसबुक के पास एज अ एड रनर, एज अ एडवर्टाइज़र आपकी प्रोफाइल डेवलप हो रही है, और उनके यहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आप कितने एड्स चला चुके हैं, कितना सक्सेसफुल रेट था, कितनी पेमेंट्स आपकी टाइमली आई हैं, कितनी कोई पेमेंट में मसले मसाइल नहीं आए, कोई इस किस्म की सारी चीज़ वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल जो है स्मूथ होती जाएगी और आपके एड्स अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।